मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, ये देखिए ये मिर्जाना और मैं जो खड़ा है ना, ये है हल्दिया का सबसे फेमस पार्क, जिस पार्क का नाम है इको हेल्थ पार्क। अरे ये हल्दिया के दुर्गा चौक में है, दुर्गा चौक जो सुपर मार्केट है उसका ठीक पीछे ये इतना बढ़िया सुंदर और शानदार पार्क बनाया है कि क्या बताऊं। तो इस पार्क का बारे में मैंने अपना दोस्त लोग से सुना था, तो आज मौका मिला मिर्जादा और मैं अपना ऑफ डे में यहाँ चला आया और इस पार्क को देख रहा हूँ और साथ में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरा कैमरा और मेरा यूट्यूब चैनल अतनु वी ब्लॉग के साथ, ताकि ये आप सुंदर पार्क देख सके और इस पार्क में अपना वीकेंड अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ मना सके। ठीक है दोस्तों, चलिए पार्क देखना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टिकट काउंटर, आप आएंगे तो कार पार्किंग का जगह है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये वहाँ कार पार्किंग करेंगे और यहाँ आके गेट का सामने, इन फ्रंट ऑफ गेट पार्क का, जो इको हेल्थ पार्क का सामने टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से टिकट काटेंगे और यहाँ एंट्री करेंगे। ठीक है, और अभी मैं आप लोगों को वहाँ तक ले जा रहा हूँ जहाँ आप घूमने आएंगे अपना फैमिली के साथ, गाड़ी लेके, गाड़ी जहाँ आप रखेंगे, जहाँ पार्किंग का प्रबंध है। दोस्तों ये देखिए, हल्दिया पौरसभा यानी म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन ने ये दुर्गा चौक हाउसिंग पार्किंग में ये पार्किंग व्यवस्था किया है पार्क के लिए। फिर से एक बार आप लोगों को पार्किंग प्लेस दिखा लिया, क्योंकि पार्किंग प्लेस का समस्या बड़ा होता है, कहीं भी घूमने जाए गाड़ी रखने का बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ इको पार्क में आएंगे तो पार्किंग प्लेस का कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा एरिया पार्किंग के लिए बना के रखा है, देख लीजिए। ये सिक्योरिटी दादा है जो इको हेल्थ पार्क में, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं पार्क के बारे में। दादा ये बोले, बंगाली में बोल सकते हैं, ये पार्क सुबह जोर करके समय खुले, रात 9 बंद है। अच्छा, दिन पूरे दिन संडे बंद नहीं, संडे बंद नहीं है, माने 7 दिन में 7 दिन खुला रहता है। दोस्तों देखिए, एक बार मैं फिर से पार्क का मेन गेट से कैमरा घुमा लिया, ये पार्क का मेन गेट का नजारा है और इसी से हम लोग जो पार्क है देखना शुरू करेंगे। दोस्तों देख लीजिए एक बार फिर से, ये देखिए गार्बेज फेंकने के लिए इन फ्रंट गेट का सामने ही ये जो आप लोग घूमने आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, अपना जो जावर जो भी गार्बेज है इसको यहाँ आप लोग फेंकेंगे, ताकि पार्क का सुंदरता खत्म ना हो और पार्क सुंदर रहे। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा सुंदर शिव जी का स्टेच्यू बना के रखा, आपका एकदम बड़ा पोन तालाब में, जिस तालाब में नौका विहार होता है, उस तालाब में एकदम सामने शिव जी को बैठा के रखा। फैमिली का साथ आपको यहाँ एक दिन आराम से बीत जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए बोट्स रेडी है बिहार के लिए, जल कीड़ा के लिए और नौका विहार के लिए, ये सुंदर सा बोट रेडी है और वो बोल रहा है कि आओ मेरे पे चढ़ो और नौका विहार करो और अपना आनंद उठाओ अपना दोस्त के साथ, ठीक है ना दोस्तों। तो एक दादा मिल गया जो काम करते हुए मिल गया, उनसे पूछते हैं ये जो पुकुर का सामने ये तालाब, ये स्विमिंग पूल और इसके सामने खड़े हैं, ये यहाँ नौका विहार का व्यवस्था है। दादा आप ये बोलिए, नौका विहार में कितना पैसा लेते हैं? नौका है उठते गले 49 पर हेड माथापोती। और समय कितना? समय 20 मिनट टाइम, 20 मिनट टाइम। आपका क्या नाम है दादा? गोपाल मुर्मू। गोपाल मुर्मू। Hold on, hold on.
my demons growl, my own little nightmare, I call it hell, oh well. यहाँ बच्चे लोग का खाने पीने के लिए सामान है, ये देखिए चिप्स से लेके सारा कुछ है, एक दुकान खुला है और शाम को शायद सारा दुकान खुल जाएंगे, ठीक है ना। ये बच्चे लोग को खेलने के लिए सामान मौजूद है, ठीक है ना। तो आपका जो बच्चे है ना, यहाँ एकदम सुंदर से टाइम बिता पाएंगे, यहाँ खेलेंगे कूदेंगे, उधर नौका विहार करेंगे और भूख लगे तो वो फास्ट फूड जाके खा सकेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी सकेंगे, ठीक है। हाँ, तुम लोग घूमने आए कि क्या, काम करते हो यहाँ, घूमने आए, ठीक है, वेरी गुड। आ 10 रुपया करके पर हेड। आप मोबाइल लेके आएंगे तो कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, लेकिन आप कैमरा लेके आएंगे तो 500 रुपया फीस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल में आप सेल्फी से वीडियो थोड़ा बहुत बना सकते हैं और आप फोटो उठ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ है कि गेस्ट हाउस, यानी यहाँ आप लोग आके ठहर भी सकते हैं और साथ में दूर से देखेंगे ये रेस्टोरेंट, यानी आप अगर अपना फैमिली का साथ यहाँ एक दिन के लिए वीकेंड मनाने आए तो भूख लगे तो इस रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, और शायद और दूर से आए तो एक दिन ठहर भी सकते हैं गेस्ट हाउस में, ठीक है ना। तो हम लोग पार्क का अंदर से घूम के आ गए हैं ये मिर्जादारों में, लेकिन शाम का जो नजारा है ना, यहाँ बोला गया है कि शाम का नजारा बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ लाइटिंग का प्रॉब्लम होता है और बच्चे लोग खेलने कूदने और क्या बोले प्रेम प्रेमिका का जोड़ी जो है ना, वो शाम को ही दिखाई पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे शाम को यहाँ आने की और शाम वाला भी दृश्य जो है आप लोगों को दिखाने की। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरा कैमरा और मेरा यूट्यूब चैनल अतनु व्लॉग के साथ, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग देख सके, ठीक है ना। दोस्तों हल्दिया टाउनशिप से दुर्गा चौक के ये इको पार्क तक दूरी है 10 से 12 किलोमीटर, जो आप 10 या 25 मिनट में अपना कार से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। मैं अभी आप लोगों को इको पार्क का शाम का नजारा दिखाने ले आया हूं दोस्तों। I'm tired of the pain. Go away. I'm tearing this in two. Hotter, hotter. Demons growl, my own little nightmare, I call it hell, oh well.